अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रफीक के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे मुर्ग मुसल्लम। मुर्ग मुसल्लम बनाएंगे एकदम बैंक्विट स्टाइल, बैंक्विट में शादियों में जो कैटरिंग में वो स्टाइल में हम आपको बता के दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मिर्चा हमारे पास सब रेडी है, बस हमें कुकिंग करना है और आपको दिखा देना है, क्योंकि ग्रेवी तक हमारे पास सब रेडी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गैस हमने जला दिया है, डाल देते हैं तेल। मुर्ग मुसल्लम है, वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें, बहुत अच्छा बताऊंगा इंशाल्लाह, आप याद करेंगे। तो हमने तेल डाल दिया है, अब डाल देते हैं इसके अंदर जीरा। तो दोस्तों डाल देते हैं जीरा। तो दोस्तों हम इनो ग्रेवी में बनाएंगे, ठीक है। काजू पेस्ट हमने सेपरेट पीस लिया है, उसमें हमने ग्रेवी नहीं बनाया है, और टमाटर का भी प्यूरी कर लिया है, कोई ग्रेवी यूज नहीं करेंगे रेड वाली। एलो ग्रेवी हम डालेंगे, और एलो ग्रेवी रेड ग्रेवी जितना भी आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप देख लेना, वीडियो हमने अपलोड किया है ग्रेवी की सारी। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे जीरा हो जाता है, अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट हमने 4 टेबल स्पून डाला है, बस बहुत ज्यादा डालना नहीं है, क्योंकि ग्रेवी में ऑलरेडी होता है। टमाटर, तो दोस्तों 4 किलो चिकन हमने तंदूरी के मसाले में लगा के तंदूर में रोस्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप कभी भी जब हमारा चिकन देखेंगे तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मसाला तंदूरी का बनाना है। कच्चे चिकन को आपको छोटे साइज रखना है या बड़े साइज रखना है, वो हिसाब से उसमें लगा के सेक देना है, और या तो पैन के अंदर पका लेना है, उसके बाद ग्रेवी के अंदर ऐड कर देना है। तो दोस्तों इसे खूब अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि कच्चापन इसके अंदर जरा भी ना रहे, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेवी, एलो ग्रेवी। बना हुआ हमारे पास तंदूरी रेडी है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सामने हमारा पड़ा हुआ है। और अब ग्रेवी हमें खाली बनाना है, और ग्रेवी में हम मसाले ऐड कर देते हैं, वो आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डाल देते हैं 50 ग्राम, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, देगी मिर्च है हमारा कलर के लिए 2 टेबल स्पून, और सॉल्ट स्वाद अनुसार। अब इसे का बढ़िया से भून लेंगे, और कलर भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि देगी मिर्च जो है। तो दोस्तों थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर दही, 150 ग्राम दही, और 150 ग्राम इसके अंदर हम मावा डाल देंगे। मावा हमने अपने हाथों से ही बना लिया है, एकदम जोरदार ड्राई। आज मावा हमने फ्राई किया है एकदम जर्दा वाला। अब ये आ गया काजू, काजू हमारा है 200 ग्राम खाली हमने बॉईल करके और पीस लिया है बस। तो अब बढ़िया से मिक्स करते हैं और थोड़ा पका लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त क्या है, छटकता बहुत है, मैंने भून दिया है खूब अच्छी तरह से, दाने हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं पानी। तो दोस्तों थोड़ा सा हम डाल देते हैं कसूरी मेथी, तो दोस्तों आ गया 200 ग्राम फ्रेश क्रीम। तो दोस्तों अब डाल देते हैं तंदूरी के पीसेस, बोन वाले हैं हम, बोनलेस नहीं है। और जैसे इसको मिक्स करते हैं और एक 5 मिनट इसको पकाते हैं, उसके बाद हमारा मुर्ग मसाला बनके रेडी। तो दोस्तों थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर हम शुगर, तो जरा मिठास आ जाए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब चेक कर लिया हमने, ठीक हो गया है। तो अब डिश आउट कर देते हैं। तो दोस्तों ये आ गया मुर्ग मुसल्लम हमारा बनके रेडी हो गया। तो दोस्तों देखा होगा आपने कि मेरा टोटल 15 मिनट लगा है और मुर्ग मुसल्लम बनके रेडी हो गया है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल।
बैंक्वेट के अंदर, कैटरर्स के अंदर ये सब चीजें आम होती हैं कि जब भी आप शादियों के ऑर्डर करते हैं तो ये सब आपको मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि लोग कैसे बनाते हैं और आपको खिलाते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।